फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू वांट मी टू कनेक्ट पर्सनली माय इंस्टाग्राम हैंडल इज lekha_birthday। सो गाइस, आज का हॉल होने वाला है मीशो हॉल एंड मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे एंड ब्यूटीफुल फ्लोरल ड्रेसेस ऑर्डर किए जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं क्योंकि मैंने पूरे ही ड्रेसेस ट्राई करके देखे हैं एंड आप लोगों को एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ मैं आप लोगों को। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हमारा जो फर्स्ट फ्लोरल ड्रेस है वो है थोड़ा स्किन कलर एंड इसमें ब्राउन कलर मिक्स है, थोड़ा बेज टाइप में कलर लग रहा है। सो ये कुछ इस तरह का शेड है गाइज। सो आप देख सकते हैं इसका पैटर्न एंड ऑल्सो यहाँ पे फोटो एंड ऑल्सो वीडियो क्लिप दे दी है जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा लुक वाइज एंड दिखने में ये कैसा लग रहा है। एंड गाइज, ये वर्थ इट है। सारे ही ड्रेसेस अंडर 600 है, सो आप परचेस कर सकते हो। एंड ऑल्सो नेक्स्ट संडे या दिस सैटरडे संडे 3rd and 4th August को आप लोगों को एक मीशो पर महासेल मिल जाएगा। सो आप इसे परचेस कर सकते हो डिस्काउंट प्राइस में। सो देखते हैं हम लोग ये ड्रेस की तरफ। सो गाइज, ये कुछ इस तरह का पैटर्न दिख रहा है एंड आगे से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे डिटेलिंग दी है, लाइक फ्लेयर जो होते हैं ना, फ्लेयर में इन लोगों ने ऐसे पैटर्न्स दिए। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे पैटर्न मतलब डिटेलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। सो आगे से अगर आपको दिख रहा होगा तो, एंड जो इसका लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छा है, आपके नी तक आ जाएगा। एंड नीचे से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इलास्टिक सिलाई दी है, नीचे से फ्लेयर है। इसके जो स्लीव्स है गाइज, हाफ स्लीव्स है, मतलब इतना इतना आ जाएगा आप लोगों को स्लीव्स। सो पैटर्न तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड दिखने में भी काफ़ी सुंदर है। कलर मुझ पर अच्छा लग रहा था, उठ के आ रहा था। इस पर जो स्किन कलर पर इन लोगों ने जो ब्राउन कलर की शेड दी है ना, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा है। इसके नीचे आप चाहो तो हील्स कैरी कर सकते हो ब्राउन कलर की, या फिर व्हाइट कलर के भी शूज़ आई थिंक सो अच्छे लगेंगे, कूल लग सकते हैं। सो आप ट्राई करो एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो जस्ट गो एंड चेक आउट गाइज। सो देन आर नेक्स्ट ड्रेस इज ऑफ, ये थोड़ा सा पीची शेड में है, पीच कलर में। सो एकदम ही सिंपल है गाइज। सो ये पूरा ही फ्लोरल ड्रेस है एंड इसके जो मतलब ये स्लीवलेस है। आगे से आप देख सकते हैं कि कुछ बटन्स की डिटेलिंग दी है। सो गाइज, अगर आप इसके साथ ना बेल्ट दी है, अगर आप बेल्ट वियर नहीं करोगे ना, ये ऐसा लगेगा कि आपने सिंपल सी कुर्ती वियर की है। जब ये बेल्ट लगाओगे ना तब ये प्रॉपर फिनिशिंग मतलब कुर्ती काफ़ी अच्छी लगेगी। सॉरी, देखो कुर्ती ही निकली। सो प्रॉपर ये ड्रेस काफ़ी अच्छा लगेगा। सो यहाँ से इन लोगों ने बहुत ही अच्छी सी स्टिचिंग एंड डिटेलिंग काफ़ी अच्छी की है एंड बीच में से यहाँ पे स्लिट दी है। सो यहाँ पे क्लिप में आप लोगों को दिख जाएगा कि पूरा एंड लेंथ वाइज भी आप लोगों को दिख जाएगी। आई मीन थोड़ा सा नीचे नीचे ही है। सो काफ़ी अच्छा सा डिसेंट सा इसका लुक है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हल्का सा सी थ्रू है बट इट्स ओके, आपको इनर कैरी करना पड़ेगा इसके अंदर, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छा है। सो गाइज, मैं अभी घूमने जा रही हूँ सो मैं वहाँ पे ये वियर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा है। सो आई तो जस्ट लाइक दिस एंड अप्रूव फ्रॉम माई साइड। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर परचेस करना विदाउट एनी सेकेंड डाउट क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर है। लेकिन ये विदाउट बेल्ट अच्छा नहीं लगेगा, विदाउट बेल्ट ये पूरा का पूरा कुर्ती ही लगेगी। सो इसके साथ ये प्रॉपर पूरा एक ड्रेस लगेगा। सो या देन आर नेक्स्ट ड्रेस इज ऑफ रेड कलर। सो गाइज, जब मैंने फोटो में देखा था ना तो मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर एंड प्यारा सा एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन जब अभी ये आया है एंड मैंने पहना तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब मुझ पर शायद ही इतना सूट नहीं कर रहा है या फिर ये बहुत ज़्यादा लूज़ लग रहा है। वैसे यहाँ पे इन लोगों ने एडजस्टेबल बेल्ट दी है, वो आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब अभी जहाँ मैं घूमने जा रही हूँ उसके हिसाब से ये मुझे थोड़ा ज़्यादा ही डीप एंड इतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा है एंड पूरा स्लीवलेस ही है। सो इसका पैटर्न काफ़ी अच्छा है, अगर आप चाहो तो इसे खरीद सकते हो। अगर ऐसे डीप नेक के अगर आप वियर करते हो तो लाइक मटेरियल वाइज फैब्रिक वाइज बहुत ही अच्छा है। डिटेलिंग एंड पैटर्न आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। रेड पे आप इस पूरे हार्ट शेप बने हुए हैं एंड यहाँ से वी नेक का पैटर्न है। सो एज यू कैन सी एंड स्लीव्स में यहाँ पे ऐसे वन स्ट्रिप बेल्ट है। नीचे से अगेन यहाँ पे आपको फ्लेयर्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर मतलब दिखने में काफ़ी अच्छा, लेकिन मुझ पर ही इतना ज़्यादा जच नहीं रहा था। यहाँ पे मैं फोटो एंड ऑल्सो
परसों आप लोगों को क्लिप दे दूंगी कि मुझ पर ये कैसा लग रहा है। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मुझ पर ये सूट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन ट्राई, मतलब एक बार ऑर्डर करके देख सकते हो, अगर आपको आप पर जच रहा है तो आप रख सकते हो। सो मुझे तो इतना खास नहीं लग रहा तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगी, बट एज यू आर विश। ओके सो या देन आर नेक्स्ट ड्रेसेज ऑफ वाइट कलर। सो गाइज ये पूरा फ्लोरल है, वैसे तो सारे ही फ्लोरल ड्रेस है। सो ये कुछ इस तरह का पैटर्न है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका जो नेक पैटर्न है वी नेक है, ऐसे दिखने में लग रहा है कि लाइक पूरा ओपन है। इस पर इनर तो वैसे ही कैरी करना पड़ेगा, लेकिन पहनने के बाद ये ऐसे पूरा पैक हो जा रहा है। सो इट्स मतलब अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे इलास्टिक दी है, बहुत ही अच्छी इलास्टिक है। मतलब थोड़ा सा मुझे तो अभी पेट होने की वजह से तो वो ऊपर जा ही रहा है, लेकिन जिसका फ्लैट बेली हो उस पर अच्छा लगेगा। वैसे ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आगे से शॉर्ट है, पीछे से थोड़ा सा लॉन्ग है। सो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है दिखने में भी। लाइक जो इसका जो पैटर्न है, कलर है, वो काफ़ी अच्छा है, डिसेंट सा है। बस अभी मुझे इसमें क्या अच्छा नहीं लगा मैं ये बता देती हूँ। दिखने में सच में गाइस अच्छा है। इसका जो अंदर अस्तर दिया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट दिया, मतलब जो आगे का जो ये पैटर्न है ना, यहाँ से ये जो कपड़ा दिया है ना, ये तो भी थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन अंदर से ये वाला जो है ना बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट दिया है। सो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर स्लैक्स, अगर ब्लैक कलर के स्लैक्स वेयर करोगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी है। सो मुझे लगता है इसके नीचे ना आपको सिमलेस ही वेयर करना पड़ेगा जो सूट करेगा इसके ऊपर। एंड ऑल्सो वाइट कलर का मिलता है तो वाइट कलर का वेयर कर लेना, या फिर स्किन कलर का भी ठीक लग सकता है, लेकिन अभी मेरे पास तो है नहीं। सो मुझे पहले वो ऑर्डर करके देखना पड़ेगा एंड फिर ट्राई करना पड़ेगा कि ये ड्रेस एग्जैक्टली कैसी लगेगी। सो अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट लग रहा था अंदर से मुझे, बट ड्रेस अगर ओवरऑल ड्रेस देखेंगे लुक में इतना ज़्यादा सुंदर है ना, मतलब इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस लग रहा है, आप देख सकते हैं। एंड ऑल्सो जो फोटो लगाई है ना मैंने, वो भी देख लेना, बहुत ही ज़्यादा प्यारी ड्रेस है गाइस। इसके स्लीव्स ऐसे पूरे फ्रिल है, बहुत ही प्यारे से स्लीव्स है। सो गाइस कुछ इस तरह का ड्रेस है एंड 100% अप्रूव्ड। बस उसका जो अस्तर का जो प्रॉब्लम है वो तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे कुछ सीमलेस वगैरह वियर करके अंदर से। सो या गाइस देन आर नेक्स्ट ड्रेसेस ऑफ, ये थोड़ा सा ब्लैक शेड में है एंड ऑल्सो जैसे कि फ्लोरल है तो इसके ऊपर सारे ही ऐसे फ्लावर्स बने हैं। सो कुछ इस तरह का इसका पैटर्न है, मतलब ये आगे से आप देख सकते हैं कि वी नेक है एंड पीछे से ये बैकलेस है। सो अगेन यहाँ पे आप लोगों को मतलब लेस दी है। सो कुछ इस तरह का पैटर्न है ये। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड कलर भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा डार्क है बट इट्स ओके, अच्छा लगेगा दिन में अगर वियर करते हो तो। रात के टाइम पे शायद ही ये उठ के आए, लेकिन दिन के टाइम में ये काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके स्लीव्स ऐसे 1/4 स्लीव्स आएंगे, यहाँ पे स्ट्रेचेबल इलास्टिक दी है। कपड़ा काफ़ी अच्छा है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, अंदर से अस्तर काफ़ी अच्छे क्वालिटी का दिया है। सो इस तरह का कुछ लुक है एंड इसका जो मतलब लाइक फ्रॉक पैटर्न होता है ना, वैसे टाइप का है, आपके नी के थोड़ा सा नीचे ही आपको आएगा। सो कुछ इस तरह का है गाइस। सो पीछे से ऐसा बैकलेस है एंड आगे से ऐसा कवर्ड है। सो या अगर अच्छा लगता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो जस्ट गो एंड चेकआउट गाइज। देन आर लास्ट बट नॉट द लिस्ट एंड ऑल्सो माई फेवरेट, मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा है। सो ये ग्रीन कलर का है एंड ऑल्सो गाइज ये मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेंड में देखा है, मतलब अभी तो मैंने ये ऑर्डर किया, लेकिन इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये ड्रेस देखा है। बहुत लोग इसे वियर करते हुए, मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखे हैं ना यूट्यूब पे, सो काफ़ी जनों ने इसे वियर किया है। सो मुझे अच्छा लगा, कलर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इसमें कलर्स मतलब वेराइटीज़ थे कलर्स में, सो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे ग्रीन अच्छा लगा एंड मुझ पर भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, स्मूथ सा कपड़ा है इसका, थोड़ा हल्का सा सी थ्रू है, एकदम नहीं है, लेकिन इनर कैरी करना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेचेबल दिया, लेकिन कंफर्टेबल है गाइस। एंड इसके स्लीव जैसे एकदम हाफ स्लीव दिए है एंड पूरा लॉन्ग पैटर्न में है। इसके नीचे आप मस्त से ग्रीन कलर के शूज़ वेयर कर लेना गाइस एंड ऑल्सो आप चाहो तो हील्स भी कैरी कर सकते हो, एकदम अच्छा लगेगा। एंड नीचे से हल्का सा छोटे से फ्रिल्स के काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एंड इसका नेक पैटर्न कुछ इस तरह का है, हेक्सागन टाइप में, यहाँ पे एक छोटा सा डिटेलिंग नॉट का दिया है। सो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, पूरा ही ग्रीन है, इस पर वाइट कलर के छोटे छोटे से फ्लावर बना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो दिस इज़ माई फेवरेट, मतलब
जितने भी मैंने अभी ऑर्डर किए ना उसमें से ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो ये भी मैं अभी ट्रिप पे जा रही हूँ तो मैं ज़रूर इसे वियर करूँगी। वाओ आई लाइक दिस, एंड आपको अच्छा लगे तो यू कैन परचेज। मैंने लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे ही ड्रेसेस के मैंने लिंक दे दिए, सो आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। एंड ऑल्सो गाइज, दिस वॉज माई 6 प्रिटी ड्रेसेस फ्रॉम फ्लोरल ड्रेसेस फ्रॉम मीशो। सो कैसा लगा मेरा ये मीशो हॉल मुझे पहले तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ऑल्सो गाइज, गिव अवे अभी भी चल रहा है, सो प्लीज़ पार्टिसिपेट जरूर करो, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो। मतलब मैं जल्द ही आप लोगों को गिव अवे विनर अनाउंसमेंट कर दूंगी जल्द ही, सो प्लीज़ पार्टिसिपेट करते रहो। एंड जितना हो सके ना मेरे वीडियोज़ का जो वॉच टाइम है ना वो भी बढ़ाओ, मतलब फुल वीडियो वॉच करो गाइज, आधा आधा वीडियो मत करो। सो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ फ्रेंड्स।